कुछ लोग भगवान से मन्नत मांगते हैं और वो मन्नत पूरी होने पर जो लड़की होती है उसे भगवान को छोड़ते हैं और उसकी भगवान के साथ शादी रचाते हैं, और वो तब से देवदासी के नाम से जाने जाती है। तब से वो मंदिर में समाज में सिर्फ नाचने के लिए ही रह जाती है। वो नहीं स्कूल जा सकती है और नहीं दूसरे किसी के साथ शादी भी कर सकती है। मेरे वल्ले गांव से 10 किलो अंतर में जो जेजूरी गांव है, उस गांव में जो देवदासी समूह है वो आज भी भगवान और समाज के कारण शिक्षण से वंचित है। तुझं वय काय आहे आता? 13। किती वर्ष झाले तू मुरळीचं काम करते? जसं मी जन्म तसंच करते। तुला नाचायचं काम आवडतं का? आवडत। एक वेळेस नाचल्यावर तुला किती पैसे मिळतात? असं 1000-1500 रुपये मिळते। तुझं घर तूच चालवतेस का? हा। कोण कोण आहे तुझ्या घरी? आजी, आई आणि मी। तू जर शिकली असते तर तुला काय व्हायला आवडलं असतं? नर्स, डॉक्टर असं आवडलं असत। मुरळी शिक्षण का घेऊ शकल्या नाही? लहानपणापासून याच्यामध्ये त्याच्यामुळे शिक्षण झालंच। तुम्हाला याच्यामध्ये कुणी घातलं असं म्हणजे नाचायला? आई वडिलां। तुम्ही शिकलेला आहात का? काहीच नाही, आम्हाला सही येत नाही। आता शेवटी विलाच नाही ना, त्याला शिक्षण नाही झालेलं, म्हणलं शेतीबाडी कमी नाही, भाड्याने राहून आम्हाला करणंच भाग आहे ना, शेवटी पोटासाठी काहीतरी करावंच लागतं। म्हातारपणी नाही नाचणं काम झाल्यावर मग कसं तुमचं काय वाटतं? आमच्या पेक्षाची माझं त्यांची परिस्थिती आम्ही बघतोय, पायरीवर बसतात, मागतात, म्हणजे असं कोणी देतं नाही देत, म्हणजे खूप म्हणजे परिस्थिती म्हणजे भीक मागतात। इन देवदासी को देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्हें शिक्षण नहीं मिलता। शिक्षण न होने के कारण वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। वो अज्ञान होने के कारण ही भगवान के नाम पे उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। जब वो पढ़ेगी तभी तो वो अपने सपने सच कर पाएगी और उनका जीवन बदल जाएगा, तभी ये देवदासी परंपरा नष्ट हो जाएगी। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के जेजुरी गाँव से, इंडिया अनहर्ड के लिए।